सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एंड सीख में। तो फंसेगा फिर से हम आपके लिए ऐसी कमाल की शानदार सी एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, जिसके मदद से सिर्फ आप अपने व्हाट्सएप का नेट को ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे आपका मोबाइल का डाटा क्यों ना ऑन हो, फिर भी आपके वो डाटा व्हाट्सएप तक नहीं पहुंचेगा। मतलब आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा मोबाइल डाटा ऑन होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी एप्लीकेशन, कहां से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि जो कुछ आपको समझा वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके मैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके मैं चैनल को सब्सक्राइब के लिए बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन प्रेस कर दिया, ताकि मैं फीचर जैसे ही न्यूड अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है व्हाट्सएप सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, इतना लिख के आपको सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल के नाम के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करें कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अबाउट में चले जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे बातें कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के टाइटल प्रेस करना है। टाइटल प्रेस करते कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा, यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसके नीचे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको इसको ऑलवेज अलाउ कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए कुछ परमिशंस को अलाउ करवाएगा, तो यहाँ पे आपको परमिशंस वगैरह को भी अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं सब आ जाएंगी। ये ट्रिक सिर्फ व्हाट्सएप में नहीं, आपके हर एप्स में काम करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने व्हाट्सएप को ढूंढ लेना है। व्हाट्सएप को यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा व्हाट्सएप आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, अपने व्हाट्सएप से एक मैसेज सेंड करके भेज देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैसेज भेजूंगा हाय, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसके पास मैसेज चला गया, यहाँ पे डबल टिक भी आ गया और फिर मैसेज भी मेरे साइड से सेंड हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को इन दोनों को ऑफ कर दूंगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं इस एप्स में देखिए मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे नेट तो ऑन है, लेकिन अब मैं किसी को मैसेज भेजूंगा लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज सेंड नहीं हो रहा, मतलब कि मेरा यहाँ पे सब कुछ नेट चल रहा है, लेकिन मैं अगर व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजूंगा या कि व्हाट्सएप में ऑनलाइन भी आऊंगा, तो सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन हूँ। मतलब मैं अपने डाटा चालू किए हुए भी अपना व्हाट्सएप को ऑफ रख सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।